भाई आप सभी की दुआओं से उनके घी में रख देंगे। कद्दू राम कब बनेंगे ये कद्दू? आज ही बने सुना पड़ यार बेटा। और अभी अपनी दाढ़ी वगैरह बन गई, घी तो के लानो पड़ेगा। करवा चौथ आ रही है तो मैंने की नहीं करो पहले से तो नहीं। और अभी हम बना रहे हैं लड्डू बोलते हैं। राम राम जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो जी? बढ़िया, आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर और सुबह के बज रहे हैं इस समय 7। आज महात्मा गांधी जयंती भी है। इधर देख सकते हैं कि विवेक का रात में भी ड्राइंग बना रहा था बापू की और अभी भी ड्राइंग बना रहा है। और अभी मम्मी की भी तबीयत सही हो गई, कल दवा वगैरह खाई आप सभी की दुआओं से। और अभी दलिया तैयार कर रहे हैं सुबह सुबह, ये गेहूं का दलिया है जो कि सुबह नाश्ता में बन जाया करेगा। इसको भून के घी में रख देंगे। अब राम राम की अंजू देखिए मम्मी तो लीना रही थी संगम बनते है ज्यादा मोटा दरिया है वो है। और अभी सोनी भी दलिया बनाने की तैयारी कर रही है। ये दलिया साफ किया है, कच्चा ही बनाएंगे, अभी तो कच्चा बनाएंगे, बाद में भून कर रख देंगे। हैं राम राम जी सभी को। और ये कद्दू राम कब बनेंगे? ये कद्दू राम इधर रखे हो उधर, हैं आज ही बनेंगे। फिर लहंगा लहंगा फरिया मैया के और अभी कद्दू कट गया, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। देखो कितना मस्त निकला है, ताजा कद्दू। हाँ अभी रिश्तेदार आए थे, देख लो सब्जी की व्यवस्था कर गए, कुछ भी हो कद्दू एकदम मस्त निकला है, नरम नरम। तो आज इसी को पकाते, कैसा पकाएंगे, मीठा वाला या चटपटा, खट्टा मीठा? हर हर महादेव दोस्तों। पल्लवी अब तो हेलो, अरे अच्छी रही है जी, के बता रही है जी ते यो कर राम राम जी। हाँ मरियम मन हाथ धो के मांग पट्टा खड़के फ्री हो गई है अम्मा। चलो तो फिर कहा खाना पीना लेके आओ, नाश्ता पानी। राम 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 तो कमेंट आ रहे, मम्मी पापा अम्मा सब के पांच छू रहे हैं, हम ऐसे कमेंट आए थे। चलो आशीर्वाद मिल गया। आज मतलब कनागत पूरे हो रहे हैं ना, तो बस अब बाबा का भोग लगाते हैं पूजा पाठ करके। बच्चे जब भी तो इंतजार कर रहे हैं कि पापा पूजा कर लो फिर खाना मिलेगा, जब ही खाना खाएंगे सभी लोग। अग्यारी वगैरह कर देता हूँ। कद्दू कट गया और ये कट गई प्याज, देखो प्याज कितनी कटी है। कद्दू में ना प्याज बहुत ज़्यादा डलती है और अभी कट रही है हरी मिर्ची। और अभी हमने पानी वगैरह दे दिया ताऊ को और पूजा वगैरह सब हो गई, बच्चे भी खाना खा रहे हैं। अभी ये बाल बनाएंगे, अब ये देखो परेशान हो गया, इसे खुजली पड़ती है तो आज इसको अभी बनाता हूँ, चिकना होता हूँ आज, बहुत दिन हो गए 16-17 दिन आए हैं, पहले की बनी है जब की यही। पहले पेट पूजा करता हूँ, भूख लगी है। हिमांशु तू ना पड़ बजार बेटा, हिमांशु हिमांशु भैया साथ बोल के तो ले रंदू है, बोल बोल के तो ले रंदू का गोल गोल के, गोल गोल के का होता है तू गोल गोल ही कह रहा होगा, बूरे की कह रहा है, गोल गोल कटोरी में बूरो ले जा रहा है, बिना बूरे के तो खबत ना ने ना खबत है। नहीं मैं तो चबड़ी से खाऊंगा, चबड़ी से खाओ पानी डाल के। हैं कला मंदिर को
सही थे। चल मैं उतरवा के आऊँ नीचे, सिड्डी नहीं पैता तू ले जाएगी ला। बाल फैला देगा तो सब पहुँच जाएगी। आज सेवई खा रही है तू, खा ले मैं सब सेवई। तो देखो बेटा जो चेमी खा लो जो है, चलो ताई की जल चल रही है, हम ताई की जल देखो देख रही है, आप सभी को देख रही है पल्लवी, देखो है निगाह गई पल्लवी की। अरे है दाढ़ी चिद रही है, चलो अभी दाढ़ी ही बनावा था पहले, माई लाली का दाढ़ी चिद रही है मेरी, बाल बड़े बड़े हो गए ये। हाँ देखी ताई सब्जी छोंक रही, देखिए दूध दरिया खा के आई हम ना ले रहे ना, हम ना ले रहे जाओ खेलो। दूध दरिया खा के आई और अभी अपनी दाढ़ी वगैरह बन गई मस्त। ये है अपना दाढ़ी बनाने का सामान, आपको दिखाऊं अभी कैसे लग रहा है बताना जरूर कमेंट में, आप पहले से सही लग रहा है। सॉरी हंस रही है देख लो। ये इसके अंदर फिटकरी, देखो कितनी बड़ी फिटकरी रखता हूँ मैं, दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी लगाते हैं। इसके अंदर अपनी रेजर जो नॉर्मल वाली है, ये रही, ये मशीन थोड़ा सेट वेट करने के लिए बस। सब सामान को रखते हैं हार, कहीं रह तो नहीं गए बाल, वैसे तो सब कटिंग हो गए अच्छे से बढ़िया। सोनी रोटी में कितनी देर है, लाओ तो नीचे दे आऊं पहले फिर खाऊं मैं, भूख लगी अब, टाइम हो गया इसमें 11 बज गए, यही टाइम है वैसे खाना खाने का हमारा तो रोजाना का, बच्चों के लिए फिर तो खा के गए क्या स्कूल जाके खाना, और रोटी दे रही है ले जाओ करने। चलो अभी मम्मी पापा अम्मा जी के लिए खाना लेके चलते हैं नीचे, बस खाना खा के अभी हम जाएंगे मार्केट आज राशन पानी लेने के लिए। ले रोटी खा लो, अम्मा कहाँ आई, नहीं रख दो बैठ भाई बेटा ही खाओगे, नहीं रख दूँ तो ले खा ले कद्दू का साग मस्त मानसू, रोटी खा ले बाबा ऐसा चल। हाँ तो हाथ धो ले, चलो अब हम भी खाते हैं, भूख लगी बहुत तेज, घी था कल आना पड़ेगा। चलो अब हम भी खाना खाते हैं, आज की सब्जी कद्दू देखो कितनी जबरदस्त है, देखो दिखाऊं धूप में नहीं, ऐसे ही देखो ऐसे ही दिखेगी। कैसी सब्जी बनी है अम्मा, बढ़िया है, बढ़िया बनी है, बनी हुई मस्त है आज की सब्जी कद्दू की, और दो तरह की बनाई है, मम्मी का अलग बनाई है बिना खटियाई की, मम्मी का मीठी बनाई है, अपने का खट्टी मीठी खट्टी चटपटी बनाई। अभी बच्चों का टिफिन लगाते हैं स्कूल में चलते हैं, अभी हमारी गाड़ी जो है धूं के परा पे रखी है तो बस वहाँ तक थोड़ा पैदल जाते हैं, क्योंकि पानी में निकालने में ना बाइक को बार बार दिक्कत होती है, तो इसलिए हमने वहीं पे रख दिया है। अभी बस टिफिन लगा लिया है बच्चों के लिए, बस अभी खाना दे के फिर वापस आना है, जब तक सोनी तैयार हो जाएगी फिर चलेंगे हम थोड़ा मार्केट। वैसे अब ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अब धूप खिल रही है कड़ाके की तो पानी तो जल्दी सूख जाएगा। खैर दोनों साइड में ट्रेन देखेंगे वैसे, और निकलते हैं, लाल हो रही है लाल बत्ती, लाल बत्ती मतलब खतरा, ट्रेन आ रही है दोनों साइड से। बच्चों के स्कूल खाना पहुंचा दिया, अब हम चलते हैं घर पे। क्या है पर तू अभी तैयार ना है पाई है, चलो जल्दी, कितना टाइम लग रहा हो तो अभी चल, अब कटिंग करवाना और बाकी सोनी देख कई बड़े बड़े बाहर रह गए हैं, देखेंगे एक दो दिन में कटिंग करवाएं। अभी हैं हम धौलपुर हरदेव नगर साड़ी मार्केट में, करवा चौथ आ रही है तो मेरे की साड़ी दिलवा देते एक। अभी आए हुए हैं हम हरदेव नगर में, देखें साड़ियां मेरा तो पसंद नहीं आई,
अब माता रानी के कपड़े ले लेते हैं। सोनी को अपने लिए तो साड़ी नहीं पसंद आई, देखते हैं माता के लिए पसंद आ जाए। सोनी को जब अपनी साड़ी पसंद नहीं आई तो अभी तो माता रानी के लिए ले रही है, तो कई दुकानों पर घूमेगी जब लेगी। ये थोड़े से आगे दिख रहा है आपको लाल बोर्ड, वहाँ पे जगन टाव की जाए। और अभी हम चलते हैं सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी आते ही सब हमने लिए साग सब्जियाँ और उसके बाद में लिए आलू। लेकिन दोस्तों आज गर्मी बहुत ज़्यादा है मंडी में, तो और ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। मेरे को तो ये लग रहा है कि किसान बाजरा काट रहे हैं, उनका क्या हो रहा होगा। कल माता बैठेंगी तो देखो कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां रखी हैं बाजार में, मेरे को बहुत अच्छी लगी तो मैंने फ़ोटो ले लिया। अभी गर्मी लगी, जूस पीते हैं, इधर मौसमी का जूस निकलवाया दो गिलास। दोस्तों अभी आ गए हम घर पे और बस सोनी तो आते ही सो गई, इतनी परेशान हो गई बाजार में कि आते ही उसको ऐसी नींद आई, एकदम छक सो रही है इस समय। हमको टाइम हो गया करीब आई हुई यहाँ पे, आधा घंटा हो गया। आते ही हम दूसरे काम में लग गए थे, ये रास्ता में जो पानी भरा हुआ है ना, तो उसके लिए पैसा वैसा सब कॉलोनी वाले उगा के वो मोटर लेके आ रहे थे समर बड़ी वाली, तो जिससे कि ये पानी को दूसरी तरफ निकाल दिया जाए। ये पूरा पानी जो भरा हुआ है रास्ता ब्लॉक है, इसके लिए अभी लोग गए हैं पैसा इकट्ठा करके, सब बड़ी वाली समर लेकर आएंगे फिर वो पानी को उधर निकाल देंगे। तो इसी में जब से आके हम लग गए थे बाजार से। रंजू अभी भिंडी काटने के लिए बैठ गई है, ये देखो सिंघाड़े आने लग गए। दोस्तों तो हम सिंघाड़े लेकर आए, चलिए अभी सिंघाड़े बांट देते हैं, अम्मा बाबा को दे के आते हैं। पहले आए गए सिंघाड़े, जब तो ले आए, पहली पट्टी ले आया हूँ, देख लो नहीं करो पहले से तो नहीं आए थे, मत दे फिर महंगे होंगे, फिर मत दे होंगे। अभी हम भी खाते हैं एक दो सिंघाड़े। अच्छा विवेक को गुड मिली है और फर्स्ट आया है ड्राइंग में, है ना, स्कूल में बोल रहे हैं पापा मैं फर्स्ट आया हूँ ड्राइंग में। ये तो घर पे बनाई है लेकिन स्कूल में वहीं पे बनाई थी, वहीं पे बनाई और वहीं पे दे के आए गांधी जी की। पूरे स्कूल में फर्स्ट, आज गांधी जयंती है ना, पूरे स्कूल में फर्स्ट, पूरे स्कूल में फर्स्ट तो इनाम मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कब मिलेगा पेन, पेन तो बहुत बड़ी चीज होती है इनाम में। जी कहा है भिंडी है, दो दो ज्वेलरी है। जगिया ही है वो सवेरा, हाँ तो खेम सो गई नशा चढ़ेगा है, अब पपीता का नाश्ता होगा। बच्चों के लिए हल्की सी जगह हो गई तो देखो खेलने लग गए। आज राशन में भी बहुत सारा आइटम आया, मम्मी जी अपनी भानेज के लिए यहाँ पे बनाएंगे लड्डू, तो लड्डू का सामान भी लेकर आया हूँ, तो इसलिए आज बहुत पैसा खर्चा हो गया, 3-4 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। एक किशमिश, छुआरे, काजू, चिरौंजी और ये पिस्ता, दुघोला, बादाम और ये मखाने, तो ये और भी आइटम है इसके अंदर, उनको निकालते हैं अभी। और माता रानी के कपड़े लाए, देखो कितने सुंदर हैं, ये देखो माता रानी के कपड़े और ये कान्हा जी के कपड़े, दो जोड़ी ठाकुर जी के कपड़े हैं और ये माता रानी के, ले जा दो। और अभी हम बना रहे हैं लड्डू, ये देखो तुम्हारी मम्मी लड्डू बना रही हैं अभी। और पल्लवी के लिए बेचारी के लिए खटिया नहीं है, धरती पर डाल दिया उसको, ये देखो उधर पड़ी है। हाँ वही तो सोनी ही बना रही है शाम की सब्जी और हमारी मम्मी बना रही है लड्डू ताकत के। पल्लवी ओ बिट्टो पल्लवी, ओ ड्रप गई मोड़ी, ड्रप आ गई मशीन से, मोड़ी ड्रप आ गई भैया, पल्लवी ड्रप आ गई रे, हाय 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 का कर लेंगे, क्या हो रहा है, हाय हाय अजी गई, अजी गई लडुआ खा गई, लडुआ खा गई, खा गई लडुआ, देखो हंस गई है लडुआ आगे ना, तो लडुआ खा गई, हाँ एक पूरा पूरा लडुआ खा गई, पूरा लडुआ। ये सभी लोग लगे हैं मदद में लड्डू बनाने, अर्चना भी मदद करवा रही जैसे जल्दी काम हो जाएगा, और ये देखो हमारी पल्लवी भी मदद करवा रही है, ये लगी है इधर, इससे मन लगा रहेगा।
अभी हमारा शाम का खाना बन गया। मम्मी हमारे लड्डू बनाने में लगी हुई हैं। भिंडी की सब्जी से बेबेक बोल रहा है, भिंडी की सब्जी से रोटी खा लीजिए, अभी कीड़े आ रहे हैं इसलिए मैं पास में नहीं जाऊंगा बेबेक के। आज मैंने गैस को बाहर ही रख दिया था, मैंने कि बाहर हवा भी लग रही है, गर्मी नहीं लगेगी। हमारी अम्मा इधर बैठी हैं अभी। है अम्मा ये वाली समर सेवल लेकर आए हैं और गारंटी में आई है एक साल की में, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये चेंज होगी डायरेक्ट। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये निकाली हमने समर सेवल, मतलब मोटर के दो पार्ट हैं जिसको कि अभी सेट करेगा श्री गोपाल। हो गया समर का, पहले भी उद्घाटन हो गया समर का, गिर मत जाइयो। हेलो, आपने पिछली वीडियो में पूछा था कि श्री गोपाल ने कोई इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा किया है क्या, तो मैंने शायद पहले बताया कि नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ कि श्री गोपाल ने ITI किया है, इलेक्ट्रिक जो ITI होता है, तो वही डिप्लोमा किया हुआ है। और श्री गोपाल को इलेक्ट्रिक के बारे में काफ़ी नॉलेज है, इसी वजह से श्री गोपाली कनेक्शन कर रहा है। अभी समर की टेस्टिंग हो रही है और ये पानी चल रहा है, देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गई। बस इसमें अब लेजम लगाएंगे, उसके बाद पानी निकाल जाएंगे। दोस्तों अभी रात के 11:30 बज गए और सनी तो इधर सो रही है अभी फिलहाल। हम अपनी वीडियो एडिटिंग में लगे हुए थे, अभी जो पानी की मोटर आ गई ना बड़ी वाली समर सेवल, तो उसमें क्या है ना अब पानी आराम से निकाल देंगे, एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में निकल ही जाएगा। उसको चलाते रहेंगे रोड के उस तरफ खाली जगह में, जिससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा और पानी भी निकल जाएगा और जल्दी सूख जाएगा, तो अब रास्ता हो जाएगा। और कहीं भी पानी जमा हुआ करेगा तो मशीन उसको रखेंगे और निकाल दिया करेंगे, क्योंकि सभी की लोगों के पैसे से आई है, सभी लोगों के यूज में आएगी, सही है कि नहीं। और आप सभी को आज की हमारी ब्लॉग वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।